सो वेरी गुड मॉर्निंग कल हमने आपको क्या समझाया था सिंपल टेंस जिसमें सिंगलर होता है और प्लूगल होता है है ना सिंगलर मतलब क्या होता है ओनली वन सिंगुलर का मतलब कोई वन एंड प्लूगल का मतलब मोर देन वन सो सिंगुलर में हमने आपको क्या क्या बताया था ही सिंगल होता है शी सिंगल होता है इट सिंगल होता है और कोई एक नाउन कोई एक नाउन ये कॉपर नाउन हो सकता है नेमिंग वर्ड्स हो सकता है या फिर कॉमन नाउन भी हो सकता है जब ये सिंगलक होता है तो हम कौन सा वर्ब लगाते हैं या फिर वर्ब को हम डूइंग वर्ड और एक्शन वर्ड भी कहते हैं वर्ब को हम और क्या बोलते हैं डूइंग वर्ड एक्शन वर्ड डूइंग वर्ड में हम एस और एस को लगाते हैं हम क्या लगाते हैं एस और ए एस हम लगाते हैं लेकिन जब फ्लूगल होता है फ्लूगल फ्लूगल का मतलब क्या होता है मोर देन वन मोर देन वन नाउन मोर देन वन नाउन या एक से ज्यादा कुछ तो क्या होता है ये नाउन हम यहाँ पे ऐसे में लिखते हैं मोर देन वन मतलब कुछ भी हो सकता है ओके okay? तो आई आई हमारे क्या होता है प्लुगल वैसे तो ये सिंगलर होता है क्योंकि आई हम खुद को आ, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं आई तो वैसे सिंगुलर होता है बट हम प्लुगल में काउंट करते हैं यू यू क्या होता है जो प्रोनाउन है यू को हम प्लुगल में कंसीडर करते हैं वी प्लुगल में कंसीडर होता है दे प्लुगल में कंसीडर होता है और एक से ज्यादा जब कोई नाउन होता है तो वो भी प्लुअल में ही कंसीडर होता है तो इसमें जो हम डूइंग वर्ड लगाते हैं वो डूइंग वर्ड में हम एस एस को नहीं लगाते यहाँ पे मैंने क्रॉस इसलिए बनाया हुआ है ताकि इसमें एस ए एस हम नहीं यूज करते हैं ओके okay? तो जैसे कल एक मैंने कॉमन वर्ब लिया था वो वर्ब कौन सा था डांस हमने कॉमन वर्ब लिया था डांस अब डांस के आ, मैंने सिंगुलर भी कुछ सेंटेंस बनाए थे और कुछ प्लुरल्स भी बनाए थे सिंगुलर में क्या क्या था ही डांसेस देखो एस लगाया ना क्यों ऑलरेडी इसमें ई लगाया था हमने ई नहीं लगाया ही डांसेस शी डांसेस इट डांसेस मोहन डांसेस अमित डांसेस चाइल्ड डांसेस बॉय डांसेस क्या हो जाएगा ही डांसेस शी डांसेस इट डांसेस मोहन डांसेस अमित डांसेस चाइल्ड डांसेस एंड बॉय यही पे सेम है देखो आई आई क्या होता है हमारा होता है तो आई में डांस एस नहीं लगाया यू डांस वी मतलब हम एक से ज्यादा देखो यहाँ पे अमित अकेले था यहाँ पे अमित एंड पिया जब एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं मतलब दो लोग हो गए दो पापर नाउन हो गए ना एक अमित एक पिया पिया डांस चिल्ड्रेन यहाँ पे चाइल्ड था चाइल्ड क्या होता है एक होता है लेकिन एक से ज्यादा होता है तो चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन डांस बॉय डांस तो बॉयज डांस क्यों क्योंकि यहां पे बॉयज था सॉरी एक बॉय था तो डांसेस था लेकिन जब यहाँ पे बॉयज हो गया तो डांस ये बेसिक रूल है सिंपल सिंपल प्रसेंटेंस का किसका सिंपल प्रसेंटेंस का आज हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो कि आपको फेयर नोटबुक में लिखना है इसमें लिखना है फियर नोटबुक में नाउ दीज ऑल आर द एक्सरसाइजेस जो आज हम करने वाले हैं फर्स्ट शी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कुछ ऑप्शन डांस होगा या डांसेस होगा तो शी के साथ हम क्या लगाते हैं शी के साथ ऑलवेज डांसेस। स्मॉल लेटर में लिखेंगे कि जब हम लाइन के बीच में लिखते हैं तो स्मॉल लेटर में ही हम हमेशा लिखते हैं इट इट के साथ अगेन्स या अगेन तो ये हो जाएगा ना क्या आ जाएगा वेन्स तो वी विल राइट वेन्स और ऑब्वियस यहाँ पे हम फुल स्टॉप ऐसे फुल स्टॉप यहाँ पे लगाया तो जगत नहीं है वेन्स दे दे मतलब मैंने आपको क्या बताया था जे एक से ज्यादा होता है दे में देखो दे में एस ई एस हम नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे हम दे में एस ई एस लगाएंगे नो no. तो क्या लिख देंगे drive, they drive। ड्राइवहन एंड सोनाली द सेम एस देखो यहाँ पे एक से ज्यादा अमित एंड पिया थे अमित एंड पिया तो हमने एस ए एस नहीं लगाया था तो यहाँ क्या हो जाएगा गोहन एंड सोनाली में हम जंप क्या लगाएंगे एस ए एस नहीं लगाएंगे है ना और मैं यहाँ पे टिक करते जा रही हूं ताकि हमें पता चले कि हमने कौन सा वर्ब यूज किया टीचर टीचर एक है तो वी विल देखो यहाँ पे ई एस लगा हुआ है टीच की स्पेलिंग की होती है ई एस लगा हुआ है तो वी विल राइट टीचर्स टीचर अगर यहाँ पे टीचर्स होता है तो हम टीच लगाते हैं चिल्ड्रेन जिसे मैंने बताया था चिल्ड्रेन सिंगुलर नहीं होता है चिल्ड्रेन क्या होता है प्लोर होता है तो हम स्विम चिल्ड्रेन चिल्ड्रन क्या कर रहा है स्वयं कर रहा है तो चिल्ड्रन same, दे दे गो क्योंकि यहाँ पे दे ऑलरेडी फ्लूगल में आता है तो गो दे गो टू द मार्केट आई आई को देखो हम किस पे कंसीडर करते हैं हम आई को फ्लूगल में कंसीडर करते हैं तो हम इसलिए एस नहीं लगाएंगे हम एस नहीं लगाएंगे आई so, वॉच मदर मदर एक है हमारी मम्मी एक ही होती है ना तो कुक्स माई मदर कुनेहा स्नेहा क्या है एक लड़की है तो राइट्स जब कोई एक होता है तो हम यहाँ पे एस ए एस लगाते हैं दोग डॉग कैसा है एक है ना यहाँ क्या हो जाएगा बाग्स डॉग बास वी वी के साथ क्या हो जाएगा ईट ईट्स वी प्लूगल में आता है तो वी विल पुट ईट डॉक्टर डॉक्टर एक है तो क्या हो जाएगा एस लगेगा तो डॉक्स सॉरी डॉक्टर टेक्स डॉक्टर टेक्स गियर फादर एक है तो गेयर और इसमें ई एस तो हम यहाँ पर क्या लगेगा एस की ऑलरेडी ई है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे एस ग्रैंड पेरेंट्स देखो यहाँ पे पेरेंट्स एस लगा हुआ है है ना ग्रैंड पेरेंट्स तो एक, मतलब ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर को मिला के ग्रैंड पेरेंट्स तो यहाँ पे लव अगर ओनली वन ग्रैंड पेरेंट होता तो हम क्या लगाते एस लगाते ना एल ओ वीई एस बट एक आ, नहीं है एक से ज्यादा है तो ग्रैंड पेरेंट्स तो आप इन लव प्रिया एक है तो स्पीक्स प्रिया स्पीक्स ये हो गया आपके तो शी डांसेस इट वेन्स चलो रिपीट करते हैं वंस अगेन शी डांसेस इट वेन्स दे ड्राइव Rohan and Sonali jump. Teacher teaches. Children swim. They go. I watch. Mother cooks. Sneha writes. The dog barks. We eat. Doctor takes care. Father gives gifts. When parents love me a lot, Pia speaks. The is 1 to 16. सेंटेंसेस हैं सेंटेंसेस फॉर्मेशन वो आपको किस में लिखने हैं फेयर नोटबुक में ओके सो आई होप ये जो प्रेजेंट का ये जो सेंटेंस है आपको क्लियर हो गया है और जो मैंने कल भी आपको रिवीजन क्लास जो हुई थी हमारी ऑनलाइन क्लास उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी तो जो भी डाउट्स रहेंगे उसमें भी क्लियर हो गए होंगे और ये कुछ एक्सरसाइज मैंने करा दी ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए ओके सो so, इसके बाद भी अगर तो कुछ डाउट्स होते हैं यू कैन आस्क मी टिल देन थैंक यू नई हैव अ ग्रेट स्टूडेंट्स